ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर्स में जो स्किन डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं बुलस स्किन डिसऑर्डर्स। एंड एज द नेम इंडिकेट्स, बुलस का मतलब ये है कि वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन करवाएंगे। और ब्लिस्टर एक ऐसा फ्लूइड फिल्ड एक्यूमुलेशन होती है जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में होती है। नॉर्मली जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजंस की वजह से भी बन सकते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से बन सकते हैं, ड्रग रिएक्शन की वजह से बन सकते हैं, और इम्यून बेस्ड उनका रीजनिंग भी हो सकती है। और जो बुलस स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ऑटो इम्यून या इम्यून रिलेटेड होते हैं, इम्यून सिस्टम रिलेटेड होते हैं। तो होता क्या है बुलस स्किन डिसऑर्डर्स में बेटा, आपको हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा है जो दो सेल्स के बीच में, खासतौर पे एपिथीलियम वाली जो हिस्टोलॉजी है उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो सेल्स के आपस में लिंक होता है, या जिसे गैप जंक्शंस कहते हैं। हैव यू रेड अबाउट इट? यू नो व्हाट टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस एटसेट्रा आर? जो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं दोज आर नोन एज टाइट जंक्शंस। देर आर डिफरेंट वेज दैट दोज सेल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है? और वो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, उन कनेक्शन में से एक कनेक्शन बनता है डेस्मोसोम्स के थ्रू, ठीक है? सो जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं और उसमें जो कैरेटिनोसाइट्स हैं, जो कैरेटिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम्स, ठीक है? इनकी वजह से उनके आपस में एक एक जब ये जो लिंक बनता है विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टिंग माइक्रो क्या उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्स, उनकी वजह से जो स्किन बैरियर होता है वो स्ट्रेंथन होता है, या उसकी स्ट्रेंथ जो है, मतलब जो स्किन की स्ट्रेंथ या स्किन के सेल्स की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर ऑल दोज ऑल सेल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है? और वो जो है उनमें से एक टाइप ऑफ कनेक्शन इज डेस्मोसोम्स सेल्स के बीच में। बट इस इलनेस में इस डेस्मोसोम पे अटैक होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, इस एपिडर्मिस के नीचे अगर आप स्किन को उठा के देखें, स्किन के बारे में हिस्टोलॉजिकली देखें, एपिडर्मिस के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है या बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन होता है। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल आपस में मिल रहे होते हैं, ठीक है? उसके अंदर कॉलेजन या प्रोटीन ऐसी होती है जो बेसिकली एपिडर्मिस के सेल्स को डर्मिस के साथ एंकर कर रही होती है, ठीक है? सो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है और वहाँ पे अटैक होता है बेसिकली बाय द ऑटो एंटीबॉडीज, और वहाँ पे जाके ब्लिस्टर बन रहे होते हैं। सो एक कंसेप्चुअल डायग्राम अगर आपको दिखाई जाए, सो दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, और ये एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट हुआ हुआ है विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम। और भी कनेक्टिंग वो होते हैं मैकेनिज्म्स, गैप जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, डेस्मोसोम्स आर वन, ठीक है? फिर उसके बाद ये दोनों एपिडर्मल सेल्स हैं, ये ऊपर वाले सेल्स हैं, ये नीचे वाले सेल्स हैं, ठीक है? और उसके बाद ये जो छोटा सा एक एरिया आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दैट एरिया इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे पर डर्मिस है। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ कनेक्टिंग द एपिडर्मिस टू द डर्मिस, ठीक है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले लेवल पे बुलस या बुलस फॉर्मेशन होती है या ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो जो इस ऑटो इम्यून डिजीज में जिस चीज पे अटैक होता है बेसिकली, वो डेस्मोसोम्स के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है विच इज नोन एज डेस्मोजिन, उसके खिलाफ उसको बॉडी जो है ना वो समझती है कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है, बॉडी उसको अटैक करना शुरू करती है। बॉडी अगर डेस्मोजिन को अटैक करेगी तो क्या होगा? कैन एनीवन प्रेडिक्ट क्या होगा बेटा? क्या कर रहे हैं डेस्मोसोम्स? क्या कर रहे हैं?
ये स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्किन को एक इंटैक्ट रख रहे हैं। अगर स्किन के ऊपर के सेल्स इंटैक्ट नहीं रहेंगे तो स्किन आसानी से एक तरह से शेड ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी। डेड हल्का हो जाएगा। सा प्रेशर डालोगे तो वो गई। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दीज डिसऑर्डर्स। तो इनके अंदर मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं, पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड, डर्मेटाइटिस एपिडर्मिस एंड देन डर्मेटोसिस ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए के डिसऑर्डर्स होते हैं। पेम्फिगस, द वर्ड पेम्फिगस कम्स फ्रॉम आई थिंक ग्रीक और लैटिन, जिसका मतलब होता है पस्ट्यूल्स। ठीक है, तो पस्ट्यूल्स जैसे लगे होते हैं, बुल्लस, एक बुल्ला या ब्लिस्टर बना होता है, तो उसकी वजह से इनके मुख्तलिफ नाम है पेम्फिगस। पेम्फिगस के आगे टाइप्स होती हैं, पेम्फिगस विलगैरिस, पेम्फिगस विलगैरिस के आगे और टाइप्स हैं, बट द मेन थिंग इज कि इस तरह से नाम शुरू होते हैं। डर्मेटाइटिस हर्पिडिफॉर्म्स इज अ काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर विच इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बट इट इज नॉट प्राइमरीली अ स्किन डिसऑर्डर। ये एक और इलनेस की मैनिफेस्टेशन है जो स्किन में नजर आती है। अगर आपने सीलिएक डिजीज का नाम सुना हो, इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें ग्लूटेन के साथ एनर्जी होती है, मतलब जो आप वीट खाते हैं, यानी कि जो रोटियां छोटियां खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको बॉडी जो है उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करती और वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसमें जब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है, उसमें साथ में स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है, उस सीलिएक डिजीज की मैनिफेस्टेशन होती है डर्मेटाइटिस हर्पिडिफॉर्म्स फॉर्मस। ठीक है, सो ये जो है उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, होता क्या है, नज़र क्या आता है आपको, स्किन और माउथ के ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले माउथ में लेयर्स बनना शुरू होती है, और माउथ अल्सर्स वंस इन अ वाइल कुछ लोगों के बन जाते हैं, बट दे गो अवे इन अ वीक और सो। लेकिन इसके जो माउथ अल्सर्स होते हैं, दे प्रसिस्ट फॉर मंथ्स, फिर उसके बाद जो अल्सर्स होते हैं या लेयर्स होती हैं, वो बाकी बॉडी पे आना शुरू होती हैं, ट्रंक पे, स्कैल्प पे, सर पे और फ्लेक्चर्स पे। और इसका तरीका, मतलब डायग्नोसिस का तरीका या क्लिनिकल साइन जिसे कहेंगे, तो सिम्टम हो गया। साइन क्या होता है, अगर आपने नॉर्मल स्किन पे हल्का सा प्रेशर डाला तो वो स्किन वहाँ से उखड़ जाएगी और एक रोयन बन जाएगी। इसको पॉजिटिव निकोल्सकी साइन कहते हैं। मतलब इफ़ यू रिमेम्बर कि हुआ क्या था, डेस्मोसोम के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बनी थी, उसने उसको अटैक करना शुरू किया। तो अब फिर आप हल्का सा प्रेशर डालोगे स्किन के ऊपर तो वहाँ पे एक हल्की सी इरोजन या वुंड नजर आएगा। ठीक है, हल्के से प्रेशर से, उसको कहते हैं निकोल्सकी साइन, पॉजिटिव निकोल्सकी साइन। तो डायग्नोसिस कैसे करना है आपने? जी बेटा, सर इंटॉलरेंस तो उसके साथ इम्यून सिस्टम के साथ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होती है ना, और एलर्जीज इम्यून सिस्टम के साथ। बेटा जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जब आप इसके डिटेल में जाओगी, एक बीमारी पूरी बॉडी इकट्ठी जुड़ी हुई है, एक बीमारी का इफेक्ट जो है वो सिर्फ वहां तक नहीं रहता कि एक सिस्टम में हो रही है और सिर्फ अलग उसी सिस्टम में हो रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोविड है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि वो सिर्फ लंग्स के अंदर जा रहा है, मतलब हमें ये आइडिया है कि वो लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा जाके उधर में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इट इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग, इट इज़ अफेक्टिंग स्मेल, इट इज़ अफेक्टिंग टेस्ट, इट इज़ कॉजिंग स्ट्रोक इन सम पीपल, इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग हार्ट अटैक इन अदर्स, इट्स कॉजिंग क्लॉट्स। वो क्लॉट्स जहाँ जहाँ जाएगा वो मसले कर सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक बॉडी के एक सिस्टम में एक मसला होता है। तो आपको बेसिक कॉज बताइए मैंने, शुरू कहाँ से होता है। एलर्जी जो होती है वो ग्लूटेन के अगेंस्ट होती है, ग्लूटेन नहीं बंदा खा सकता, मतलब वीट प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन इन्वॉल्व स्किन भी हो जाती है एक्चुअली उसके अंदर। अच्छा, डायग्नोज कैसे करेंगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन का बेसिक मतलब ये होता है कि आप पेशेंट की साइन, सिम्टम्स और हिस्ट्री वगैरह देख के और उसकी फिजिकल एग्जाम करके देखते हैं कि अच्छा इसके ये मसले हैं, तो वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन होती है। ठीक है, उसी से पता चल जाता है। फिर अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप हिस्टोपैथोलॉजी का एग्जाम करके देखो। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी वगैरह से। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब छोटा सा स्किन का हिस्सा लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। फिर एक और एग्जाम टेक्निक होती है, उसे कहते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंट एग्जामिनेशन।
इम्यूनोफ्लोरेसेंट एग्जामिनेशन में आप एक डाई डाल के देखते हैं हल्का सा, वो डाई जो है वो कलर जो है वो फ्लोरेसेंट डाई होता है, मतलब वो माइक्रोस्कोप के नीचे जाके उसका एक स्पेशल कलर नज़र आता है. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से तो आप देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, आसानी से नहीं किया जाता इसको. सो आपने स्किन की बायोप्सी करनी होती है, ठीक है, जो लियन के इर्द गिर्द की स्किन होती है, और उसको आप ले जाते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए, मतलब उसके अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई वाले प्रोडक्ट के अंदर या सब्सटेंस के अंदर या मीडिया के अंदर आप लेके जाते हैं और उसे देखते हैं जब माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरह का कलर होता है कि वो एंटीबॉडीज को एक स्पेशल कलर दे देता है, तो आपको वो स्पेशल कलर नज़र आना शुरू हो जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे. तो आप फिर डायग्नोज कर लेते हैं अच्छा ये वाली एंटीबॉडीज के अंदर हैं जो डेस्मोसोम के खिलाफ हैं, तो इट सीम्स लाइक इट इज अ बुलस स्किन डिसऑर्डर. अगर आप पिक्चर देखें तो ये पेम्फिगस वल्गैरिस की एक टाइप होती है, पेम्फिगस वेजिटेंस, और एक्जिला के अंदर आपको नज़र आ रही है ये कुछ ब्लिस्टर्स आपको साफ नज़र आ रहे हैं. नॉर्मली पेम्फिगस वेजिटेंस होती है उस वक़्त जब उस जगह पे जहाँ पे दो स्किन फोल्ड हो, जहाँ पे मतलब एक स्किन का हिस्सा दूसरी स्किन के हिस्से के साथ फ्रिक्शन कॉज कर सकता हो, तो ये उस एक उसकी टाइप है. अगेन पेम्फिगस वेजिटेंस की और टाइप्स नज़र आ रही हैं जहाँ जहाँ स्किन आपस में फ्रिक्शन कर सके, रब कर सके. ये बुलस पेम्फिगॉइड की टाइप है. डर्मेटाइटिस रेपिटिफॉर्मिस की रैश इस तरह का होता है, और ये कुछ बुलस चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं. सो दिस वाज अबाउट द बुलस स्किन डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में पहला टाइप. मतलब हमने बेसिक बात की है, हमने ज़्यादा डिटेल में हर डिसऑर्डर को अलग अलग जाके नहीं देखा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है सारा, लेकिन दैट्स इनफ फॉर यू एट दिस लेवल. फिर उसके बाद वी हैव SLE व्हिच इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस. ये क्या होता है? इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज. अगेन एक सिस्टम में नहीं, अक्सर जो एलर्जी वाले डिजीज होते हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, उनका शुरू में नज़र एक एरिया पर आ रहा होता है इम्पैक्ट, लेकिन वो इवेंचुअली पूरे बॉडी को पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो बड़े बड़े डिसऑर्डर होते हैं. सो SLE इज सच एन डिसऑर्डर, और इसके अंदर इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज जो हैं वो स्किन को इफेक्ट करती हैं, जॉइंट्स को इफेक्ट करती हैं, सीरियस मेम्ब्रेन्स को इवन इफेक्ट करती हैं, रीनल सिस्टम को, हेमाटोलॉजिक सिस्टम को, ब्लड को, और नर्व्स को, न्यूरोलॉजिक सिस्टम को, सबको इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं स्लोली स्लोली. बहुत ज़्यादा इसके कॉजेज़ होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं, इम्यून रीजंस भी होती हैं, और हार्मोनल रीजंस भी होती हैं. सो जब SLE को आप स्किन पे देखते हैं तो फेस पे इस तरह का बटरफ्लाई शेप रैश नज़र आता है. ये क्लासिक SLE की जो है वो एक सिम्टम है. मतलब अगर आपको बाकी सारा कुछ नहीं भी पता और किसी के फेस पे इस तरह का आपको रैश नज़र आ रहा है, तो फौरन आपके दिमाग जाना चाहिए कि इसको SLE तो नहीं है, बाकी सारे टेस्ट करा के देखो, ठीक है. इट्स जस्ट इसके बारे में इतना ही बताना काफ़ी है. एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अगेन कॉन्टैक्ट मतलब एक्सपोजर हो किसी चीज़ से, इवन वंस अ मंथ हो, तो उसकी वजह से अगर रैश होना शुरू हो जाए, इसको टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. टाइप 4 इज द वन जिसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, और साफ पता चल रहा होता है कि यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ है वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही होती है. और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसके अंदर आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, और पैच टेस्टिंग जहाँ हो रहा है इन्फ्लेमेशन उस पैच को टेस्ट करके देखते हैं, तो उससे डायग्नोज हो जाता है फाइनल. सो दिस लुक्स लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एग्जाम्पल. जिस चीज़ से कॉन्टैक्ट किया है, जो एलर्जिक चीज़ है, वो आपको साफ बता रही है कि दिस इज द एरिया वेयर देयर इज कॉन्टैक्ट विद इट, वहाँ वहाँ डर्मेटाइटिस हो रहा है. एक और एग्जाम्पल होती है सिबोरिक डर्मेटाइटिस की. सिबोरिक डर्मेटाइटिस, सिबोरिक का मतलब होता है कि सिबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन का प्रॉब्लम है. तो ये फेस के ऊपर, एक्जिला, अपर चेस्ट और स्कैल्प के ऊपर अक्सर ये नज़र आती है. फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस. एटोपिक डर्मेटाइटिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एलर्जी, ठीक है. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज अ काइंड ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस.
और इसके अंदर इचिंग सबसे ज्यादा होती है. और एटोपिक बैकग्राउंड, एटोपिक बैकग्राउंड का मतलब बोलना होता है कि आपको मुख्तलिफ चीजों से एलर्जी है. एटोपी इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ठीक है, तो उसको स्किन में भी वो पहुंच जाती है एलर्जी, ठीक है, सो दैट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस. इसके बाद जो चीज हमने थोड़ी सी देखनी है दैट इज थर्मल इंजरी. थर्मल इंजरी में वी हैव बर्न्स एंड इलेक्ट्रिक इंजरीज. बर्न्स की तीन डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है दैट इज जनरली इन्वॉल्विंग ओनली एपिडर्मिस, ठीक है, हल्की सी पेन होती है और रेडनेस होती है, कोई ब्लिस्टर वगैरह नहीं बनते, खुद ब खुद ठीक हो जाता है बगैर स्कारिंग के, और बाकी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता ब्लड प्रेशर वगैरह के ऊपर. और एक एग्जाम्पल फर्स्ट डिग्री बर्न की, बर्निंग बाय द हेल्प ऑफ सन, ठीक है, सन बर्न जो होता है. जो सेकेंड डिग्री बर्न होता है दैट इज डीप पार्शल थिकनेस बर्न, उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों आ जाती हैं, और जो स्किन होती है वो थोड़ी गीली गीली नजर आना शुरू हो जाती है और ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. और इसके अलावा इसके अंदर जो अंदर सेंसर्स होते हैं, जो डर्मिस के अंदर पेन रिसेप्टर्स हैं या टच रिसेप्टर्स हैं, वो ठीक रहते हैं. ये डीप पार्शल थिकनेस बर्न है, लेकिन देर आर ब्लिस्टर्स एंड स्किन थोड़ी सी इतनी डैमेज हो जाती है कि फ़ौरन स्पॉन्टेनियसली हील नहीं करेगी, थोड़ी आपको उस पर चीज़ें लगानी पड़ेंगी. मैं बताता हूँ क्या चीज़ें. फिर थर्ड डिग्री बर्न तकरीबन सारी की सारी लेयर्स इन्वॉल्व करते हैं स्किन की, और उसके अंदर मुख्तलिफ कलर हो जाते हैं, वाइट भी हो सकता है, रेडिश, ब्राउनिश, डिपेंडिंग कि कितना ज़्यादा बर्न है. और जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इट इज़ painless because receptors damage ho chuke hote hain aur ye heal nahi karta, and it's the worst form of burn. matlab itna bura burn jo hota hai uske baad insaan ka bachna easy nahi hota, and it depends ki kitni percent body burn ho chuki hui hai. acha, jab trauma ya koi bhi injury ho to aapne kya karna hota hai, sabse pehle to aapne burning jo ho rahi hai usko band karo, aag lagani, aur fir uske baad teen cheeze aapne dekhni hoti hain kisi bhi मेजर एक्सीडेंट के अंदर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, कि सांस का रास्ता जो है फ्रॉम द नोज टिल द लंग्स वो ठीक है कि नहीं, ब्रीदिंग सही तरह से कर रहा है या नहीं, रास्ता ठीक है लेकिन ब्रीदिंग कर पा रहा है या नहीं, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा है. और फिर आपने देखनी है कितनी डिग्री है, कितनी डेप्थ है बर्न की, और कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप स्कोर कर दें कितना स्कोर है इसका, आप वो क्राइटेरिया चेक करो. और फिर उसके बाद जो बर्न स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर्स होते हैं, जैसे हमारे लाहौर में जिना हॉस्पिटल में एक पूरा बर्न सेंटर है, वहाँ पे फिर आप उसे भेज दें, और फिर जो जो और इंजरीज हुई हैं उनको ट्रीट करें. सो वुंड केयर के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं आप, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो ऊपर आप लगा सकें स्किन के ऊपर. और भी और तरीके होते हैं बर्न इंजरीज को देखने के लिए. एक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, उसका फ़ायदा ये है कि वो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी में. एक सिल्वरडीन या सल्फर डाइजीन एक ड्रग होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं थर्मल इंजरीज में, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वाइट ब्लड काउंट ठीक वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है. और वी हैव सल्फामाइलोन, ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा कवर कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इट इज़ पेनफुल एंड ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा सकती है. अच्छा, और क्या आपने करना है वुंड केयर के अंदर, एक तो एंटीबायोटिक्स लगा दी, उसके बाद आपने अगर फर्स्ट डिग्री है तो उसको क्लीन रखें और हल्का हल्का मॉइस्चराइज करें, सेकंड डिग्री है तो ब्लिस्टर्स ख़त्म करें, ब्लिस्टर्स साफ करवाएँ, उसको साफ रखें, एंटीबायोटिक लगाएँ और ड्रेसिंग करते रहें. और अगर स्किन ठीक नहीं होती 3-4 हफ्तों तक, तो एक स्किन का ग्राफ्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जरी वाला काम. फिर उसके बाद थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसके अंदर टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाओ, स्किन ग्राफ्टिंग ज़रूर चाहिए होगी क्योंकि वो नॉर्मली स्किन ठीक होती नहीं है. और फॉरन ट्रीटमेंट करनी है, अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है, आपने इंतज़ार नहीं करना और स्लो स्लो ट्रीटमेंट नहीं करनी. जितनी जल्दी हो सकता है उस वुंड को सही करें, और जितनी जल्दी उस वुंड को आप बंद करेंगे या उस वुंड की आप हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे उसे, उतनी जल्द चांसेस होंगे कि
पेशेंट जो है वो और बीमार ना हो और बीमारियां उसको ना हो। इसके अलावा स्किन ग्राफ्टिंग, स्प्रेड थिकनेस और फुल थिकनेस ग्राफ्ट डिपेंड करता है एपिडर्मिस खाली चाहिए या कुछ हद तक डैमेज चाहिए। जितना पत्ता ग्राफ्ट होगा उतना जो है वो चांस होगा कि वो ग्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, और जितना थिक ग्राफ्ट होगा उतना जो है वो कंट्रैक्शन का रिस्क कम होगा। बट देन अगेन ये ट्रीटमेंट की डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स में जाना ज़रूरी नहीं है, बस आप सिर्फ ये याद रखें कि वोन केयर में स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है, एंटीबायोटिक क्रीम्स लगानी होती हैं और बाकी ये चीज़ें करनी होती हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या करना है, सेकंड डिग्री में क्या करना है और द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट वुड हेल्प। ठीक है, सो ABC से क्या बनता है ये याद रखिएगा। अगर आप आई डोंट नो इफ यू गाइस आर गोना स्टडी सर्जरी और नॉट, लेकिन ABCs का मतलब हमेशा जब भी कोई इमरजेंसी में आता है, खासतौर पे सर्जरी में बंदा जाता है, सबसे पहले कहते हैं इसके ABCs चेक करो। ABCs का मतलब क्या होता है, एयरवे देखो, ब्रीदिंग देखो और सर्कुलेशन देखो। फ्लूइड रिसेसिटेशन का मतलब ये है कि अगर पेशेंट का BP ड्रॉप कर रहा है तो उसको फ्लूइड दो ताकि उसका BP जो है हम मेंटेन कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है BP मेंटेन करना, और फिर उसके बाद उसको कहाँ रेफर करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स इट, वी आर डन विद आवर डर्मेटोलॉजी। पहले दो लेक्चर डर्मेटोलॉजी के थे,